गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास हमने डबल डिस्प्लेसमेंट देख लिया था। अब हम कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चारों टाइप के रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। आगे अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो कि कुछ बुक्स में एक साथ ही दिया रहता है, कुछ बुक्स में अलग, जनरली वो अलग होना ही चाहिए। तो देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच वन प्रोडक्ट इज स्प्लिटेड और ब्रोकन डाउन इन टू टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स पोजिशन, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन बोथ कंपाउंड ऑफ द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म टू न्यू डिफरेंट कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पूरा क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। चलिए पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब वाटर इज एडेड, तो वाटर में मिक्स है तो क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, एक्वस हो गया ना। प्लस आयरन क्या है, मेटल यानी कि सॉलिड फॉर्म में होगा। अब देखिए ये किस टाइप का दिख रहा है आपको, हाँ दिखा आपको, ये डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है। कैसे है देखिए, ये आयरन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। आप बताइए आयरन और हाइड्रोजन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन। तो आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, आयरन हाइड्रोजन को उसके जगह से हटा देगा और खुद वहां पर कंबाइन होगा। अब हमें देखिए आयरन को किसके साथ कंबाइन होना है, अब हाइड्रोजन सॉरी क्लोरीन के साथ। आयरन की डबल वैलेंसी होती है, एक फेरस 2+, एक फेरिक 3+, हम फेरस के साथ डील करते हैं। तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, 2+, यहाँ पे क्लोरीन पे तो हमें मालूम ही है कितना आता है, माइनस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिडीन सब पर सिंगल माइनस, क्लियर है। तो देखिए इनको कंबाइन कराना है तो क्या करना होगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, कंपाउंड क्या बनेगा, FeCl2, क्या बनेगा, FeCl2 फेरस क्लोराइड। या फिर हो सकता है सर हमें कैसे मालूम चलेगा, हम तो फेरिक भी बना सकते हैं। हाँ अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप बिल्कुल फेरिक बना सकते हैं। तो फेरिक के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर Fe3+ लेते हैं और यहाँ पर Cl-, तो अब हमें यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना होता है, 3 से, तो कंपाउंड क्या बनता है, FeCl3, वो आपकी चॉइस है। अगर आप फेरस क्लोराइड बनाते हैं तो FeCl2 बनाएंगे, फेरिक क्लोराइड बनाते हैं तो FeCl3 बनाएंगे। हम फिलहाल किसके साथ डील कर रहे हैं, फेरस क्लोराइड के साथ। तो देखिए हमें क्या मिल गया, FeCl2 मिल गया, प्लस आयरन तो इसकी जगह ले लिया, अब हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया तो हाइड्रोजन क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं, H, हाँ नहीं लिख सकते, याद आया हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन द मॉलिकुलर फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, H2। बात समझ में आ रही है, चलिए अगर समझ में आ रही है तो बस मेरा काम तो हो गया। क्या करना है अब, इनको बैलेंस करना है, कर लीजिए, हाइड्रोजन क्लोरीन बस हो गया। ये जो नंबर है ना, ये क्या है, ओहो दिस इज 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया, समझ आ रहा है। तो देखिए हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, हम क्या क्या इस रिएक्शन से देख के बता सकते हैं, फर्स्ट थिंग आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सेकेंड थिंग वी कैन ऑल्सो से दैट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी कैन ऑल्सो से दैट सर हाइड्रोक्लोरिक इज एन एसिड, याद आया, वेन एनी मेटल रिएक्ट विथ एसिड देर इज द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए वही चीज है, एसिड आयरन क्या है, मेटल, तो रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। देखिए हाइड्रोजन गैस आपको मिला है,
ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमें क्या पूछना चाहता है, हमारे पास कुछ ऑप्शन हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन का हम ऊपर कर देते हैं, देखिए अब दिख रहा होगा। पहला, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म्ड। हाँ, फेरस क्लोराइड की या आयरन क्लोराइड, बात तो एक ही है ना। तो ये कह रहा है कि वहाँ पे हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट में वो हाइड्रोजन गैस होगा, वो भी मिला था, और आयरन क्लोराइड होगा, यानी कि ये आंसर क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस। क्या हमारे हमारे रिएक्शन में क्लोरीन गैस मिला था? नहीं मिला था ना, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, आयरन तो ज्यादा रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को हटा देगा, रिएक्शन होगा, ये भी क्या है, गलत। नेक्स्ट, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। क्या हमें वाटर मिला है, H2O? नहीं मिला ना, हमें तो हाइड्रोजन गैस मिला था, तो ये तीनों क्या है हमारे, गलत है। तो जो भी डिस्कशन क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, वो हर एक क्वेश्चन विथ आंसर, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं वैसे आपके नोटबुक पे होना चाहिए, और इसी का PDF बना के आपको ग्रुप में भेजना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, Fe2O3 याद आया? हाँ, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम टू गिव्स अस एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। देखिए क्या हो क्या रहा है, एक्चुअली ये एल्युमिनियम है और ये आयरन है, बस समझ में आ रही है? आप बताइए क्या दोनों रिएक्टिव सीरीज में आते हैं? हाँ सर बिल्कुल आते हैं। आप बताइए कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, इस आयरन को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग आगे समझते हैं ना, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। अब दिया है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम। ठीक है, तो रिएक्शन तो हो ही जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम क्या करेगा, इसको हटाएगा और ऑक्सीजन से कंबाइन होगा। आप बताइए एल्युमिनियम याद आ गया कितना है, 3+, याद नहीं है कोई बात नहीं। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो 3+। ऑक्सीजन पर ये तो याद हो गया होगा, तो बच्चे बच्चे को मालूम है कितना, 2-। देखिए यहाँ पर 3+ है, यहाँ 2-, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से, तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, Al2O3 बनेगा, प्लस आयरन तो बाहर निकल गया, तो क्या मिलेगा हमें, आयरन मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए अगर ये समझ में आ गया तब इसको हम आगे देखते हैं, बस बैलेंस करना, अब करना क्या है। देखिए आयरन के 2 एटम हैं, तो यहाँ पे भी आयरन के 2 एटम हो जाएंगे, और देखिए ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, एल्युमिनियम के 2 एटम हैं, तो एल्युमिनियम के लिए यहाँ पे 2 एटम कर देते हैं, ऑक्सीजन का 3 एटम है, ऑक्सीजन का 3 एटम, बस हो गया बैलेंस्ड। अब हमें ये बताइए ये कैसा रिएक्शन है। हाँ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही शायद हमसे पूछा भी गया है। देखिए द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या दोनों कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाए? नहीं, तो कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकते। सेकेंड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कब होता है, जब दोनों के आयंस चेंज होते हैं, यानी कि इसका कुछ हिस्सा इससे कंबाइन होगा और इसका कुछ हिस्सा इससे कंबाइन होगा, यहाँ पर ऐसा हुआ ही नहीं, सो ये भी गलत है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है, क्या वो एक ही है, दो है ना, यानी कि ये भी क्या है, गलत। तो सही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन एंड इट विल डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स क्लोराइड। चले, सो द करेक्ट आंसर इज डी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन ईच केस। हमें एक एक करके सारे रिएक्शन को डिस्कस करना है और उसको बैलेंस भी करना है। पहला, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम सल्फेट। देखिए बताइए बेरियम पे कितना चार्ज, याद है? हाँ, 2+, क्लोरीन पर सिंगल माइनस, तो कंपाउंड क्या बनेगा, BaCl2 एक्वस, व्हेन इट रिएक्ट्स विद पोटेशियम सल्फेट। देखिए पोटेशियम सिंगल प्लस, सल्फेट 2-, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
कंपाउंड क्या बनेगा, K2SO4। ये भी क्या है हमारा, सॉल्यूशन फॉर्म में, यानी कि एक्वस है।